मेरा नाम डॉक्टर सचिन गुप्ता है। मैं डायरेक्टर हूँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हिमेटो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली में। तो ये प्रिसीजन मेडिसिन और मॉलिकुलर ऑन्कोलॉजी पे 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज की है। ये कॉन्फ्रेंस जो है मोहाली में हो रही है और इसमें लगभग 150 कैंसर एक्सपर्ट जो हैं पूरे कंट्री से हमारे यहाँ सम्मिलित हुए हैं। और ये कॉन्फ्रेंस का जो विषय है प्रिसीजन मेडिसिन, इसका मतलब ये है कि जो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उसमें हम उनके कुछ टेस्ट करके, डायग्नोस्टिक टेस्ट करके, और ये जानकारी हासिल करते हैं कि उनके कैंसर सेल्स में क्या क्या चेंजेस हैं, कौन से जेनेटिक चेंजेस, कौन सी म्यूटेशंस हैं, क्या क्या बदलाव हैं, कौन से टारगेट्स जो अवेलेबल हैं उसमें, और उसके हिसाब से हम दवाइयों का चुनाव करें ताकि हमारे पेशेंट्स को जो है बहुत एक जो उस ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा फ़ायदा हो और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्योर कर सकें। तो इसके लिए हम ये सारे जो हैं पैनल डिस्कशंस कर रहे हैं, सारे केस डिस्कशंस कर रहे हैं ताकि जो भी समस्याएं आ रही हैं इस ट्रीटमेंट में या रिजल्ट्स के हिसाब से क्या क्या कैंसर ट्रीटमेंट में बदलाव लेके आने हैं उसके बारे में जानकारी जो है वो शेयर कर की जा सके। सारे एक्सपर्ट्स अपने अपने एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहे हैं और इसमें हमने ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, पेट के कैंसर, पैंक्रियाज कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और गॉल ब्लैडर कैंसर और बच्चों के कैंसर, गायनी जो लेडीज़ के कैंसर हैं, जो ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, इन सब कैंसर्स के बारे में भी बहुत से हमने जो हैं केस डिस्कशंस जो हैं वो किए हैं। यहाँ पे इस वक्त भी जो है बच्चों के कैंसर्स के सेशंस चल रहे हैं और विमेन कैंसर के सेशंस राइट नाउ चल रहे हैं और सारे एक्सपर्ट्स बिजी हैं ये डिस्कशंस में। पंजाब में कैंसर का क्या कारण है? देखो, पंजाब भी एक, वैसे तो पूरे कंट्री में ही इंसिडेंस हाई है पर पंजाब में भी कुछ एरियाज़ में कुछ हाई इंसिडेंस है और इसका एक प्रमुख कारण तो हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी हैं जो बहुत केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, जो इतना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, और एक स्ट्रेस ओबेसिटी लाइफस्टाइल भी एक कारण है। सो लैक ऑफ एक्सरसाइज, मोटापा ज़्यादा होना, तो ये खाना पीना एक और एक विषय है और इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है इसकी रोकथाम के लिए। इसके अलावा हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑर्गेनिक फूड की तरफ बढ़ें ताकि हमारी डाइट जो है केमिकल फ्री रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें। और बाकी जो लोगों तक पहुंचाने के लिए हम ये इवेंट्स तो समय समय पर करते ही रहते हैं और ये इवेंट्स हम ही नहीं बल्कि कंट्री के जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं और जो भी कैंसर संस्थान हैं सबके डॉक्टर्स जो हैं अपने अपने एरियाज में इवेंट्स जो हैं हमेशा करते रहते हैं। और क्योंकि रिसर्च तो एक ऑनगोइंग विषय है, रिसर्च चलती रहती है और नई जानकारी आती रहती है, तो उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इससे जो है सीख कर अपनी प्रैक्टिस में उसको उतार पाएंगे। और इसके अलावा जो भी डाटा निकल के आता है उसको हम उसको कंपाइल करते रहते हैं और नया डाटा उसमें ऐड करते रहते हैं और इस डाटा में जो भी उपलब्धियाँ या जो नाकामियाँ समझ में आती हैं उसके हिसाब से हम अपनी प्रैक्टिस को भी चेंज करते रहते हैं। तो आपके इस संस्थान के साथ लोग कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे आपसे? मीडिया, सोशल मीडिया प्लस हम हमारे जो कैंसर के जो जर्नल्स हैं उसमें भी ये जानकारी जो है समय समय पर अपडेट होती रहती है। जो भी रिसर्च आर्टिकल्स जो बनते हैं, जो लिखे जाते हैं, वो एक इंडेक्स मेडिकल जर्नल्स में उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और ये सारी चीज़ें जो है इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। कभी भी हम सर्च कर इन रिसर्च आर्टिकल्स को आसानी से देख सकते हैं और उसमें जो भी तथ्य सामने आए हैं, जो रिजल्ट सामने आए हैं, उनको आसानी से देखा जा सकता है और उसमें अपनी प्रैक्टिस को उसके आधार पर जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं उसको हम आसानी से कर सकते हैं। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अमित वर्मा, आई एम अ मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजिस्ट, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर AV कैंसर इंस्टीट्यूट गुड़गांव। हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं प्रिसीजन मेडिसिन और मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी। आज के दिन और कल भी ये कॉन्फ्रेंस चली, स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे हम लोग जीन्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट करने के ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। बहुत सारे कैंसर्स को कवर किया गया है इस 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहाँ पे एडवांस कैंसर्स, पीडियाट्रिक कैंसर्स, गायनी कैंसर्स और लंग कैंसर, बहुत सारे जो कॉमन कैंसर्स हैं जिनको हम फेस करते हैं, उन सब पे चर्चा हुई है एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल्स या जीनोमिक लेवल बोलते हैं हम उसको, जहाँ पे हम लोग जीन्स को स्टडी करते हैं और ट्यूमर के
जिसके बेसिस पे ट्रीटमेंट का डिस्कशन करते हैं कि क्या नए ऑप्शंस निकाल सकते हैं आउटसाइड द कीमोथेरेपी। तो ये कॉन्फ्रेंस में हमारे 150 से ऊपर एक्सपर्ट्स पूरे इंडिया भर से आए हैं और काफ़ी लीडर्स इस चीज़ के अंदर आए हैं, एक चिंतन मनन कर रहे हैं कि कैसे हम लोग पेशेंट का बेनिफिट कर सकते हैं, कैसे ये ट्रीटमेंट एक्सेसिबल हो सकता है, कैसे अफोर्डेबल बनाया जा सकता है, कैसे लोगों की परेशानियाँ कम करी जा सकती हैं, इन सब पे पूरी चर्चा हो रही है पाँच दो दिनों के अंदर। क्या कारण क्या कैंसर के बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? कैंसर के जो मुख्य कारण जो हम अब समझ पाए हैं वो लाइफस्टाइल है, जिसको हमारे जीवन शैली इसको हम बोलते हैं, हमारा खान पान। उसके अंदर कुछ मुख्य कारण हैं जैसे टोबैको का सेवन करना, एल्कोहल और इवन नॉन वेजिटेरियन डाइट और स्ट्रेस भी कंट्रीब्यूट करते हैं कैंसर को। ये देखा गया है, WHO का कहना है कि अगर हम अपने जीवन से टोबैको जैसी चीज़ निकाल दें तो 50% ऑफ द कैंसर आर प्रिवेंटेबल। इस पूरे कैंसर के अंदर देखा जाता है कि 10-15% कैंसर जेनेटिक या अनुवांशिक होते हैं, जो जीन्स के नुक्स के कारण कैंसर आता है, माता पिता से बच्चों में आता है और बच्चों से में कैंसर में बढ़ने की संभावना बढ़ती है जब बड़े होते हैं। तो ये चीज़ें हम आज के न्यू जनरेशन ऑफ टेस्टिंग, इसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन टेस्टिंग, से हम पता कर सकते हैं कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंदर अनुवांशिक या जीन्स में नुक्स है, जिसको हम लोग पहले से ही पता करके प्रिवेंशन या सर्जरीज या स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जिससे कि हम कैंसर को ठीक कर सकें जल्द से जल्द। MBBS कर सकते हो विदाउट आईलेट्स बहुत घट पैसों के 12-13 लाख के विच तुसी MBBS करोगे, एक साल की फीस रहन के खर्चे के नाल अजरबाईजान कंट्री के विच बहुत वधिया कंट्री है, विदाउट आईलेट्स तुसी जाओगे उत्थे तुसी पक्के भी हो सकते हो जदों तुसी MBBS कर ली 5 साल बाद। जे तुसी ट्रेनिंग वीजा लेना है वह भी तुसी USA जा सकते हो। सो जे अजरबाईजान दे विच MBBS करना चाहते हो बहुत घट पैसों दे विच तां तुसीं सानू फोन कर सकते हो, जप स्टडी दे जलंधर जां मोहाली ऑफिस मिल भी सकते हो। सत श्री अकाल।